जरा सुनिएगा और समझिएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 प्लस 5 सेकेंड्स लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पीवी ट्रैकिंग। वी हैव अ मेजेस्टिक लिफ्ट ऑफ ऑफ एलवीएम 3 M4 रॉकेट कैरिंग इंडियाज प्रेस्टीजियस चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट। पीटू ट्रैकिंग। चंद्रयान 3 हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी टुवर्ड्स मून। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हरास नवाब इस्लामाबाद खोल न्यूज़ से आप सबको अविश्वसनीय सूत्रों के हवाले से एक खबर देना चाहूँगा। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क भारत में चंद्रयान 3 को लॉन्च होता देखने के लिए पाकिस्तानी एंकर पिज़ा खान ने दूरबीन का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, हम तो लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम करें क्या। नहीं, आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पर भी कमजोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं। माली तौर पर कमजोर नहीं है सर, माली तौर पर कमजोर नहीं है, टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा है। आज इंडिया ने चंद्रयान 3 भेज दिया, क्या हमारे स्पार्को ने मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा किया होगा कि कभी मैंने नहीं कभी स्पार्को की न्यूज सुनी। जब आप इस्लाम पे आएंगे तो पावर होगी, अगर आप इस्लाम को ही नहीं पकड़ेंगे तो पावर कैसे आएगी। कि एक जैसे लोग थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और हम थोड़ा ज़्यादा गोश्त खाते होंगे उनसे, और वो ज़रा वेजिटेरियन है, तो लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन है जो बड़े सीरियस क्वेश्चन है। हम तो वो जिसे कहते हैं ना, हमने तो वो बनाया न्यूक्लियर वेपन बिकॉज वो इंडिया ने बनाया, लेकिन हम उसके बाद बाकी चीज़ें क्यों नहीं बना सके जो इंडिया कर रहा है। आप जहाँ पे जले हैं उस स्थान विशेष में आप बर्नौल लगाइए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 9.India के एक और लेटेस्ट वीडियो में, मैं हूं गौरव। दोस्तों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन था और हम सब भारतीयों का ये सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक दिन का हम सब हिस्सा बन सके। चंद्रयान 3 जिसको कि आपने भी देखा होगा लॉन्च होते हुए, और ऐतिहासिक पल था, इमोशनल पल था सभी के लिए, और सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। और 23 अगस्त का वो दिन बताया जा रहा है जब वो मून पे लैंड करेगा, जो लैंडर है, जो रोवर है, वो लैंड कर जाएगा मून पे। देखते हैं, आई होप कि सब बढ़िया से हो, और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो है सफलता मिलेगा। जो लास्ट टाइम थोड़ा सा चूक हो गया था, लैंड तो हो ही गया था बट कनेक्शन जो है वो कट हो गया। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार जो है सक्सेसफुली बढ़िया सा सब कुछ हो जाएगा, और उम्मीद है कि आप सब भी यही चाहते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अपनी अपनी जो प्रेयर्स है वो ज़रूर से रख दें ताकि इस बार सब कुछ बढ़िया सा हो। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो कि बस देख सकता है और तो कुछ कर सकता नहीं है। लास्ट टाइम फवाद चौधरी ने बड़ा मजाक बनाया था, लेकिन हम इंडियंस ने फवाद चौधरी को ऐसा लपेटा लगाया था कि वो भी याद रखेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। और एक तरफ आप देखें, दिल्ली नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं, ये सिग्नलिंग इंडिया करता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जाम्पल क्या है जी, कि जी वो मोदी साहब किधर है, मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा अच्छा, पिछू क्यों है, पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना, ये है, दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर है, उन्होंने कहा डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चांद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अब जारी बात है, एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये सारी बातें शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जनाब इंडिया ने जनाब चंद्रयान 3 जो है वो चलाता है। उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। इससे तासर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज़ गोइंग ग्लोबल, ठीक है जी, और ये दे आर गोइंग ग्लोबल। और उनको फ्रांस के अंदर, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता अंदाज देना हुआ कि उनको जो गेस्ट ऑफ ऑनर तो ऑलरेडी वो सारी बात है वो हैं, और उसके साथ साथ उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है जी। ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ अ न्यू फेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और पहले 25 साल एक और चीज़ थी, और जिस तरह एमनुअल मैक्रॉन जफ़ी डाल के मोदी साहब को मिल रहे हैं,
दैट गिव्स अ डिफरेंट मैसेज. वो एक नई एक 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 एक, एक नई जहत है, ये एक नई सोच है जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे. और जो फ्रांस का अपर हाउस है, पार्लियामेंट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरा ख्याल है लाइकली पॉसिबिलिटी है, वो वहाँ पे ख़ताब भी करेंगे. तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज़ इंडिया गोइंग, वेयर इज़ इंडिया हेडिंग, और वो किन डायरेक्शंस को कर रहे हैं. आप उनकी ज़रा ये सारी स्ट्रैटेजी को समझें. वो बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इस सेंस में कि उनको इस चीज़ का पता था कि 2019 में हमारी वो ग्रोथ नहीं है, 2023-24 में उनको पता है कि हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्कशन नहीं करो, वो तो माजी की बात हो गई. सो लोगों को ये कहा कि ख़त्म हो गया पाकिस्तान, तो ख़त्म हो गया हमारा नेबर, तो हमें तो उनकी बात ही नहीं करनी, हमें तो फ्रांस से बात करनी है, हमें तो अमेरिका से बात करनी है, हमें तो चंद्रयान की से बात करनी है, हमें तो और तरफ जाना है. सो हमें तो जापान से बात करनी है, हम तो क्वाड का हिस्सा है, हम तो I2U2 का हिस्सा है, हम तो UAE के साथ कहाँ पे जा रहे हैं. सो ये वो चीज़ें हैं जिसको उन्होंने प्रॉपर कैश इन किया है, उन्होंने पूरे का पूरा जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर उनके पास ब्लूप्रिंट था कि हमने क्या करना है, और वो उस ब्लूप्रिंट पे प्रॉपरली चल रहे हैं. अगर आप बड़ा सवाल है एयरपोर्ट तो आप एक चला नहीं सकते, तो इस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे, इस मुल्क के लिए आप क्या करेंगे. जो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है, जो ये क्लेम करते हैं कि वो इस कौम को पूरी दुनिया में राइज करेंगे और पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बन जाएगा, वो न्यूयॉर्क में एक होटल तक नहीं चला सकते, और उसको सिटी ऑफ न्यूयॉर्क को और वहाँ पर जो दूसरे बिडर्स हैं उनको इन्होंने दे दिया कि जी आप रन करें. और वो जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर वाशिंगटन में, अभी एक बिल्डिंग बाकी है उससे मुल्हका जो है, लेकिन ये बेच दी. और जिस तरीके से इसको इसके 70,000 डॉलर जो है वो टैक्सेस में उस पर हुए, और ये पूरा एक मिसमैनेजमेंट की कहानी है. यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लाखों डॉलर अप्रूव किए थे इसकी रेनोवेशन के लिए जब वो वज़ीर आज़म थे. तो एक इस तरह का पाकिस्तान अब IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद ये कहा जा रहा है कि जी प्राइवेटाइजेशन कहा है उन्होंने IMF ने कि आप करें, तो बड़े इदारे जो हैं वो अब बिकेंगे, प्रॉफिट में हैं वो बिकेंगे, नॉन प्रॉफिट हैं वो बिकेंगे, और बहुत सारे जो इदारे हैं उनको कमज़ोर किया गया है ताकि जब वो बिकें सस्ती कीमत पर बिकें और ये ख़ुद उनको ख़रीद ले. PIA इसकी एक क्लासिक मिसाल है. इसमें जिस तरीके से चीज़ों को ख़राब किया गया, इससे पहले जनाब जरदारी साहब इसको लेना चाहते थे और इसको बेचना चाहते थे, उन्होंने अपने एक दोस्त को इसका चेयरमैन बनाया PIA का, और फिर उसके बाद जो सारे जो हमारे एयर रूट्स हैं ख़ास तौर पर अमेरिका के, वो टर्किश एयरलाइन को उसके साथ उन्होंने शेयर किए. सो अब आप इमेजिन करें जैसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके. दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियोज़ आप सभी को आपके यूट्यूब पेज पर मिलता रहे. अपना ख्याल रखिए. जय हिंद.